आज हम करेंगे टॉप 6 डाईकास्ट मॉडल की अनबॉक्सिंग जो कि हूबहू रिजेंबल होती है ओरिजिनल मॉडल से। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने AMG GT की। कुछ इस टाइप के बॉक्स में आती है दोस्तों, ब्लैक कलर के। तो बॉक्स से निकाल लिया दोस्तों इस वाली गाड़ी को बाहर, एंड जो ये येलो स्ट्राइप जा रही है इसके तो क्या ही कहने। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो पीछे की डिक्की खुल जाती है और उसके अंदर डिटेलिंग करी गई है कि जैसे आपकी डिक्की होती है ना एकदम वैसे ही दिखाया गया है। हम फ्रंट से खोलते हैं इसका इंजन और आप इंजन को भी देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी डिटेलिंग से दिखाया गया है। और ये पूरी मेटलिक है दोस्तों और कम से कम इसका वेट होगा अराउंड 450 से 500 ग्राम, यानी कि आधी किलो की होगी। और अगर हम गेट खोल के दोस्तों अंदर की साइड देखते हैं तो पूरा अंदर अच्छी तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग वैसी ही करी गई है जैसे ओरिजिनल हमारे को दिखती है गाड़ी के अंदर। पूरा स्टीरियो सिस्टम और स्टेरिंग सिस्टम भी वैसे, आगे से पुश करेंगे ना तो इसके अंदर से ऐसे आवाज आती है जूम जूम। और फ्रंट यानी कि हेडलैम्प्स और इसके जो बैकलाइट होती है वो दोनों मूव करते हैं। और इसको अगर हम पीछे करते हैं ना दोस्तों, ये जो फ्रिक्शन कार है इसको अगर हम पीछे करते हैं तो ये बहुत अच्छी स्पीड से आगे बढ़ती है। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने 5th नंबर की गाड़ी पे जो कि है दोस्तों 4WD ऑफ रोडर। आप देख सकते हो पूरी अच्छी खासी SUV है ये, कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आती है दोस्तों, पूरी सील्ड पैक रहती है गाड़ी। इसमें ये अच्छा है कि स्क्रू वगैरह नहीं लगे हुए, सीधा गाड़ी आप निकाल सकते हो बॉक्स से बाहर। और दोस्तों आप इसका डिजाइन देख सकते हो कितनी ही शानदार गाड़ी है ये। 4WD ऑफ रोड दोनों तरफ लिखा हुआ है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज अच्छी है, डिटेलिंग है। तो दोस्तों अगर आप फ्रंट पे देखते हो तो बोनट खुल जाता है, पूरी अच्छी तरीके से इंजन की डिटेलिंग है दोस्तों इसके अंदर। एंड अगर आप साइड से देखो तो ये गेट भी खुल जाते हैं दोस्तों, चारों गेट हैं इसके, 1, 2, 3, 4 चारों गेट हैं। और आप अंदर से भी देख सकते हो कितनी अच्छी डिटेलिंग करी गई है, पूरा ब्राउन रंग का इंटीरियर है दोस्तों। और लेदर सीट का डिजाइन दिखाने के लिए जो इसकी सीट्स हैं, तो दोस्तों अब बात आती है ये डिक्की खोलने की। मैंने ये खोली है डिक्की, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से डिक्की खुल जाती है, पूरा शानदार स्पेस मिलता है। एंड अगर मैं इसके देखो तो फ्लैप की बात करूँ, ये देखो ये फ्लैप भी इसके ना ऐसे खुलते हैं, उसके बाद ये ऊपर हो जाते हैं आप देख सकते हो। और इसको जब हम प्रेस करते हैं ना दोस्तों फ्रंट से, तो इसकी ये 2 लाइट जलती हैं, हेडलैम्प जलते हैं एंड पीछे की टेल लाइट जलती है। और ये म्यूजिक आता है इसमें रेसिंग वाला, तो आप देख सकते हो। अगर ये भी आपका वही है कि अगर हम पीछे करेंगे फ्रिक्शन कार की तरह पीछे करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और बहुत ही स्मूथ राइड ये लेती है दोस्तों देखो। तो दोस्तों अब आ जाता है हमारा 4th नंबर जो कि जा रहे हैं हम अनबॉक्सिंग करने, बेंटले की। तो ये भी दोस्तों एकदम वैसी ही पैकेजिंग में आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये रही बेंटले गाड़ी, और आप देख सकते हो फ्रंट में साइन भी बन रहा है, इसके हेडलैम्प्स भी आप देख सकते हो और पीछे से भी देख सकते हो इसकी टेल लाइट वगैरह। और कितना अच्छा प्रिंट दोस्तों यहाँ गेट से लेके पीछे तक करा गया है, बहुत ही अच्छी लग रही है, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डिटेलिंग है। तो फ्रंट से इंजन का पार्ट खोलते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो फ्रंट से अगर हमने इंजन का पार्ट खोला तो कितनी अच्छी एकदम इंजन, अगर आप ओरिजिनल गाड़ी का इंजन खोलोगे और इसका इंजन खोलोगे ना एकदम हूबहू आपको मिलेगा, सारी चीजें डिटेलिंग है। इवन ये बीच के अंदर जो आपको दिख रहा है ना इंजन का कवर, ये भी रेड कलर का आपको उसमें मिलेगा। हम अब बात करते हैं गेट की, अब हम गेट खोलते हैं दोस्तों। तो गेट खोल के भी आप देख सकते हो जो इंटीरियर है, ये नहीं दोस्तों सारी गाड़ियों में सेम इंटीरियर मिलता है आपको, इस वाली गाड़ी में देखो जैसा आपका ओरिजिनल बेंटले में इंटीरियर होगा ना एकदम वही आपको इंटीरियर मिलेगा। अब हम पीछे से खोलते हैं डिक्की, तो आप देख सकते हो जो ओरिजिनल गाड़ी है ना दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं ना इसका फ्रंट में दबाते हैं, तो फ्रंट में जब हम दबाते हैं तो आप देख सकते हो स्टार्ट होती है ये गाड़ी और रेस की आवाज़ आती है, और पीछे आप देख सकते हो टेल लाइट भी जलती है। तो है ना दोस्तों एकदम मस्त गाड़ी, इसके अंदर भी वही फ्रिक्शन वाला मोड हमारे को मिलता है, फ्रिक्शन वाली गाड़ी है ये। पीछे करेंगे तो ये आगे फ्रंट में जाती है। 3rd नंबर पे जा रहे हैं दोस्तों हम अनबॉक्सिंग करने रॉयल्स रॉयस की। आप देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है ये वाली गाड़ी। अब जल्दी से इसको बॉक्स से निकाल लेते हैं बाहर दोस्तों, ये भी ऐसे कैबिनेट के अंदर हमारे को मिलती है। तो दोस्तों ये देखो मैंने बॉक्स से निकाल ली है रॉयल्स रॉयस बाहर, आप देख सकते हो ये दिखने में ही कितनी मस्त लग रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने आगे फ्रंट का बोनट खोला तो इसके अंदर जो इंजन की डिटेल है एकदम हूबहू। तो दोस्तों जो वी शेप का इंजन है एकदम उसकी पूरी डिटेलिंग दिखाई गई है इसके अंदर। और इसके अंदर जो ये चिड़िया है ना दोस्तों, हम इसको अंदर करके भी बंद कर सकते हैं बोनट, और इसको हम बाहर निकाल के भी बंद कर सकते हैं ये वाला बोनट दोस्तों। इसके गेट की तो आप देख सकते हो अच्छे से गेट पीछे की तरफ खुलता है, तो इसमें जो फ्रंट वाला गेट है दोस्तों जो वैसे ही खुलता है जैसे नॉर्मल गाड़ियां खुलती हैं, और ये वाला जो गेट है दोस्तों ये पीछे की साइड खुलता है। एंड इसके अंदर क्रीम कलर का इंटीरियर करा गया है दोस्तों विद डार्क ब्राउन टोनिंग, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसके अंदर ऊपर मिलती है हमारे को सनरूफ,
कोई भी अगर अंदर बैठेगा तो खोल के बाहर निकल सकता है। और ये रही दोस्तों पीछे डिक्की, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये दो सीटें आपको दिखाई दे रही है लेकिन ये अंदर की साइड है। अब नीचे इसके एक बटन है, अगर वो मैं दबाऊंगा ना दोस्तों तो ये देखो सीटें बाहर की साइड आ गई। अब आप इसको खोल के आराम से यहाँ पे दो जने बैठ सकते हो, और जब आप बैठ लो तो इसको फोल्ड करके ये सीटें अंदर चली जाएंगी, लॉक हो जाएंगी। इसको आप पीछे की डिक्की को बंद करो और ऐसे करके आपकी गाड़ी हो जाएगी जाने के लिए तैयार। तो दोस्तों अब जो सेकंड नंबर पे आती है वो आती है हमारी लैम्बोर्गिनी। आप देख सकते हो कितनी शानदार लग रही है, इसको जल्दी से बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये रही लैम्बोर्गिनी, आप देख सकते हो बॉक्स से तो मैंने बाहर इसका कवर निकाल लिया था। अब मैं आपको डिटेलिंग की बात बताता हूं। तो फ्रंट में आप हेडलैम्प्स इसके देख रहे हो कितने शानदार हैं, एकदम ओरिजिनल गाड़ी की तरह ही हमारे को देखने को मिलते हैं। टायरों में अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, और पीछे वाले टायर भी देखो आपके रोज गोल्ड कलर के। एंड अगर आप पीछे के टेल लैम्प्स देखोगे और ये डिटेलिंग देखोगे ना तो आप तो फिदाई हो जाओगे दोस्तों इस वाली गाड़ी पे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम इसका खोलते हैं आगे से बोनट। ये लेकिन बोनट नहीं है दोस्तों, ये आगे की डिक्की होती है लैम्बोर्गिनी के अंदर, मैं भूल गया था। उसके साइड के हम गेट खोलते हैं। ओ गेट इसके दोस्तों बाहर नहीं खुलते, गेट इसके खुलते हैं ऊपर की साइड। दोनों गेट दोस्तों ऊपर की साइड खुलते हैं, फिर यहां साइड से एंट्री करते हैं। और इसके अंदर अगर इंटीरियर की बात करूं तो दोस्तों एकदम ऐसा इंटीरियर करा गया जैसा आपको ओरिजिनल लैम्बोर्गिनी में देखने को मिलता है। एंड अगर मैं अब गेट नीचे कर दूं दोस्तों और अगर हम पीछे इसका इंजन का कंपार्टमेंट खोलें तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये पहली बात तो लॉक मैकेनिज्म है दोस्तों। अगर आप जैसे ही खोलते हो ना इसे इंजन के इसको पीछे कैबिनेट को, तो ये लॉक हो जाएगा। ये नहीं कि नीचे जा रहा है लैम्बोर्गिनी की। और पीछे टेल लाइट देखो एकदम वैसे रेड कलर में जलती है। इसमें भी दोस्तों फ्रिक्शन वाला मैकेनिज्म है, पीछे करोगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और बहुत ही स्मूथ चलती है दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर पे आती है दोस्तों ये वाली गाड़ी, ये है दोस्तों पगानी। आपने सुना होगा नाम इसका पगानी, ये रेसिंग गाड़ियों में से एक है दोस्तों, बहुत ही फास्टेस्ट है। तो बिना किसी देरी के इसके बॉक्स से निकाल लेते हैं बाहर दोस्तों, और देख सकते हो क्या लुक में हमारे को ये वाली गाड़ी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये रही पगानी जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये स्टैंड करती है नंबर वन पोजीशन पे। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप इसकी पहले तो बॉडी की शेप देखो दोस्तों, एकदम कितनी प्यारी है। और इसके अंदर जो साइड मिरर्स हैं दोस्तों ये सिलिकॉन के हैं, तो अगर ये कहीं से टकरा भी गए तो ये टूटने वाले नहीं है। फॉरवर्ड यानी कि ड्राइवर साइड की तरफ से खुलता है और ये आगे की साइड खुलता है, देखो इस टाइप से खुलता है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों खुलता है कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड करके, तो आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि बस ये उड़ने वाली गाड़ी है और ये उड़ के कहीं चली जाएगी। और इसके अंदर का इंटीरियर दोस्तों ब्लड रेड कलर का, एंड इसका जो दोस्तों स्टेयरिंग कंसोल है वो देखो कितना प्यारा दिखाया गया है, एकदम जो इसके जो एयर वेंट्स है वो भी एकदम। तो दोस्तों डिक्की खुलती है कुछ इस तरीके से इसकी, यानी कि आगे से पीछे की साइड, और इसमें आप इंजन भी देख सकते हो। तो दोस्तों आप पीछे से भी देख सकते हो कितनी अच्छे टेल लैंप्स है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पगानी। और इसके अंदर दोस्तों ये हमारे को मिलता है फ्रिक्शन मैकेनिज्म, अगर हम पीछे करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब मैं आपको ना इसके सारे अंजर पंजर खोल के दिखाता हूँ। ये आगे के गेट खोल दिया, पीछे का डिक्की खोल दी, और फ्रंट से भी मैं खोल देता हूँ दोस्तों इसको, तो आप देख सकते हो ये पूरी लग रही है सुपर कार, और ये बहुत ही ऑसम लग रही है दोस्तों। इसके लिए मैंने इसको रैंक किया है फर्स्ट नंबर पे। तो दोस्तों ये थी 6 की 6 गाड़ियां जो मेरे को बहुत ही पसंद थी, और मैंने इस टाइप से इनको रैंक किया है। अगर आपको भी कोई गाड़ी इसमें पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इन सारी गाड़ियों के जो परचेज लिंक है ना दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आते हैं बहुत ही अमेजिंग products. Thank you so much.